गाइस आज हम लोग आए हैं उरण एंड उरण में हम लोग रुकने वाले हैं एक रिसॉर्ट में जिसका नाम है राम रतन आशियाना रिसॉर्ट। तो आज मैं उस रिसॉर्ट का पूरा व्लॉग देने वाली हूँ, तो मेरे वीडियो तक एंड तक ज़रूर देखना, चैनल में ना सब्सक्राइब करना। तो चलो व्लॉग दिखाते हैं। सो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं राम रतन आशियाना बीच रिसॉर्ट, तो चलो इसका एंट्री मैं दिखाती हूँ। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं एंड इस तरह से इसका एंट्री है, आप देख सकते हो बहुत सुंदर एंट्री है। एंड यहाँ पे देखो कितना, एंड मेरी बहन तो एकदम एक्साइटेड है जाने के लिए। इस तरह से इसका एंट्री गेट है। वाओ यहाँ पे एकदम बड़ा सा फिश टैंक भी है। इस तरह से दोनों साइड में ग्रीनरी है पूरी, तो भी बहुत अच्छी लग रही है। वाह बहुत मस्त है। एंड अब हम जा रहे हैं आगे। एंड गाइस यहाँ पर आइसक्रीम पार्लर भी है, आप देख सकते हो यहाँ पर आइसक्रीम पार्लर है। तो यहाँ पे हम लोग बाद में आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए रूम में, मैं आपको रूम का भी व्लॉग दिखाऊंगी। वाह ते पेंटिंग्स है मस्त मस्त से। सो गाइज यहाँ पे हमारा है रिसोर्ट। तो पहले तो मैं दिखाती हूँ आपको इसका बैकयार्ड। तो बैकयार्ड में है यहाँ पे इतना बड़ा सा गार्डन। ओ वाओ वाओ इतना मस्त लग रहा है गाइज। एंड वहाँ पे एक शाम में सिटिंग एरिया भी है जहाँ पे डिस्को भी होता है शाम में, वो मैं आपको शाम में दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे हमारे रूम्स है उसके बाद, और यहाँ पे उस जगह पे क्लब हाउस है। तो चलो फटाफट से पहले तो मैं आपको हमारा जो है रूम दिखाते हैं। तो ये तो मस्त सा गार्डन है। एंड गाइज ये दो छोटा वाला क्लब हाउस है, ये बड़ा वाला क्लब हाउस है। यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है मस्त, वो मॉल मस्त है यहाँ पे। एंड यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे रूम्स है हमारे। तो चलो फटाफट से हम लोग आपको रूम दिखाते हैं। ओ वाह गाइस तो ये है रेस्टोरेंट। एंड यहाँ पे देखिए बेसिन किस तरह से पूरे कप के शेप का है। वाओ हिबिस्कस, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि बहुत दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे दोपहर शाम सुबह हर टाइम आप खाना खाने जा सकते हो। ये मंदिर है, एक सिंपल सोवर मंदिर है यहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा मंदिर है। एंड ये मंदिर से ना आपको पूरा व्यू दिखेगा, गार्डन का पूरा व्यू दिखेगा। तो चलो अब हम फटाफट से चलते हैं रेस्टोरेंट। तो हम लोग गाड़ी से आए थे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी हमें। तो ये है हमारा रिसेप्शन एरिया। एंड गाइस मेन चीज़ यहाँ का स्विमिंग पूल। यस यहाँ का स्विमिंग पूल हम लोग आए हैं। वाओ ये देखिए गाइस कितनी मस्त जगह है, कितना मस्त है ये स्विमिंग पूल। वाओ मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड यहाँ पे ना दो शावर एरिया भी है, यहाँ पे आप ना शावर कर सकते हो। एंड ये बस बहुत ज़्यादा मस्त सा स्विमिंग पूल है। एंड वहाँ पे आपको मिलेंगे शाम में या फिर जब भी मैं बोल कोई जाएगा ना स्विमिंग पूल में, वहाँ पे रेनफॉल होगा, मतलब रेनफॉल। मुझे तो मन कर रहा है अभी इसमें कूद जाऊँ, पर गाइस मैं अभी कपड़े चेंज करूँगी, रूम में जाऊँगी एंड देन मैं स्टार्ट हो जाऊँगी। इस तरह से गाइस इसका स्विमिंग बहुत अच्छा लग रहा है। एंड वहाँ पे ऊपर एक होटल है, तो वो एसी होटल है।
वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। एंड इस जगह पे है चेंजिंग रूम, तो स्विमिंग पूल तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। चलो अब देखते हैं हमारे रूम कहाँ पे है। तो ये रिसेप्शन में इस तरह से डेकोरेट किया है रिसेप्शन रिसेप्शन आए हम लोग एंड रिसेप्शन एंड अब हम जाएंगे अपने रूम में। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी रूम में, फटाफट से ड्रेस चेंज करेंगे एंड हम लोग आ जाएंगे स्विमिंग पूल में। चलो आपको हमारा रूम दिखाते हैं। मुझे पता है आप बहुत देर से वेट कर रहे हो, तो चलो फटाफट से जाते हैं। वो तो यहाँ पे है स्टेयर्स, इस तरह से डेकोरेशन किया है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है। तो चलो यहाँ पे कुछ अलग रूम से तो हम लोग जाएंगे स्टेयर्स पे। वाव तो बॉयज गाइस यहाँ से ना हमारा पूरा तो यहाँ से हमें ना पूरा का पूरा जो है बैकयार्ड ग्राउंड दिखता है। वहाँ पे एक सिटिंग एरिया है जैसे मैंने दिखाया था आपको। तो चलो फटाफट से जाते हैं रूम में। तो गाइस इस तरह से हमारा रूम है। तो यहाँ पे गेट है, यहाँ पे गेट है, यहाँ पे एक नॉर्मल सा ड्रॉअर और यहाँ पे टीवी एंड यहाँ पे विंडो भी है। विंडो है, सोफा बेड है। तो यहाँ ये रहा वॉशरूम। ओ वाह गाइस यहाँ पे बाथ टब भी है। वाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा शावर भी है इधर, ग्रीजर और फिर बाथ टब एंड यहाँ पे एसी है। यहाँ पे मस्त सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा बेड है, तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है ये रूम। एंड यहाँ पे भी यहाँ पे एक लॉकर भी है, लॉकर है, ड्रॉअर है इस तरह से। और गाइस यहाँ पे जैसे आप रूम से बाहर निकलोगे ना तो पूरा इतना मस्त सा सीनरी दिखता है ना गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्त सीनरी है यहाँ पे, मतलब तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड गाइस वो आप कलरफुल कलरफुल देख रहे होगे वहाँ पे, वहाँ पे गाइस हम लोग शाम में जाएंगे, वहाँ पे ना बर्ड्स है, तो वहाँ पे बर्ड सेंचुरी जैसा ही है। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। तो चलो अभी हम लोग रूम का व्लॉग तो हमने आपको दिखा दिया, तो चलो हम लोग फटाफट से चेंज करके स्विमिंग पूल में चलते हैं। गाइस ये मैंने दिखा दिया आपको व्लॉग, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।